अब मैं अंधभक्तों से पूछना चाहता हूं कि जो एक 8 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई है उत्तर प्रदेश कानपुर में, उस स्कूल के खिलाफ क्या अंधभक्त रोड पे आएंगे? क्योंकि ये अंधभक्त ठहरे और इन्होंने कसम खा रखी है कि हम इस देश को बर्बाद करके दम लेंगे। उत्तर प्रदेश का जंगल राज, बड़ी तेजी से जंगल राज का विस्तार उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है, जिसका जीता जागता दो घटनाएं मैं बता रहा हूं। 250 रुपया फीस नहीं चुकाने पर छात्र की पीट पीट के कर दी कानपुर में हत्या। इससे बड़ा जंगल राज और क्या होगा? अभी एक घटना राजस्थान में घटी थी, दूसरी घटना उत्तर प्रदेश में है कि 250 रुपए छात्र ने फीस नहीं चुकाया प्राइवेट स्कूल का, तो उसकी पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। इसीलिए सरकार प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दे रही है और सरकारी स्कूलों की सिस्टम खत्म करती जा रही है। कितना मनमानी तरीका प्राइवेट स्कूलों का बढ़ गया है इधर कुछ सालों के अंदर आप सब देख सकते हैं। दूसरी घटना उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक कार के अंदर रंगरलियां मना रहे थे प्रेमिका के साथ। कितने चाल चलित्र की पार्टी है ये समझने की जरूरत है, कितना अय्याशी करने में इस पार्टी के विधायक माहिर हैं और कितना रेपिस्टों का साथ देने में ये पार्टी माहिर है, इससे हम समझ सकते हैं। विधायक महोदय ऐश मौज कर रहे थे, वो भी कार में, उसी टाइम उसका परिवार पहुंच जाता है विधायक महोदय का, दवा के पत्नी पिटाई करती है उस विधायक महोदय की। तो ऐसे विधायक को विधायक बनना चाहिए? ये तो हमारे देश की जनता की गलती है कि आप एक भ्रष्ट नेता, रेपिस्ट नेता, अय्याश नेता चुनते हो, तो उससे क्या उम्मीद करते हो आप? ये 100% गलती मैं जनता की देता हूं कि आप इलेक्शन के टाइम में जातिवाद पे बहते हैं, आप इलेक्शन के टाइम में एक कप चाय पे बिकते हैं, आप इलेक्शन के टाइम में अभी जो 500-500 के जो नोट मिलते हैं आप उस पे अपना भविष्य बेचते हैं। तो ऐसे ही नेता, ऐसे ही विधायक आपको मिलेंगे और काम आपका नहीं करेंगे। अय्याशी करने से फुर्सत होगा तो करेंगे ना। उससे भी बड़ी घटना राजस्थान की मैटर पे तो इतना बवाल मचा। अब मैं अंधभक्तों से पूछना चाहता हूं कि जो एक 8 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई है उत्तर प्रदेश कानपुर में, उस स्कूल के खिलाफ क्या अंधभक्त रोड पे आएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि ये अंधभक्त ठहरे और इन्होंने कसम खा रखी है कि हम इस देश को बर्बाद करके दम लेंगे। जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।